हाँ मैडम, हम लोग अभी तक डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन का अभ्यास कर रहे थे, दो सेट किया, 2020 और 2019, ठीक है। अब आज हम एक्सलेंट वाली ग्रामर की किताब से 2020 का सिंथेसिस कराने जा रहे हैं, ठीक है। कराएंगे सब, परेशान हो, लेकिन सब चलता रहे ना। तो अब आज जो है हम सेंटेंसेस माने समझ लो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछा गया है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताते हैं, पढ़ा चुके हैं सब, केवल हमको रिमाइंड कराना है, ऐसे बनाए बेटा। से आपकी बोर्ड परीक्षा आया बेटा, दो यानी कि आप हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, हेडिंग आप डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, वाक्यों का जोड़ना, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा में तीन ढंग से पूछा जाएगा, सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए और कंपाउंड बनाइए, ठीक है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। पहला वाक्य है बेटा, ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, एक बात हो गया। दूसरा है ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ये बात है। वह कईयों बार फेल हो गया है, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है, ठीक है। आपको सिंपल में पॉइंट पढ़ा होगा, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जर्न, याद है, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जर्न, उसी से बनेगा। कैसे जाना, कौन कार्य पहले हुआ, पहले फेल हुआ, कई बार अभी भी आशा करता है, तो इसका अंदर लगाओ, कई असफलताओं के बावजूद वह अभी भी सफल होने की आशा करता है, तो क्या होना बेटा, इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी फेल का नाम बनाओगे, क्या बोलेगा, फेलर, FAILURES, मैनी लगा फेलर्स, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलर्स कमा He still hopes to succeed. ए बन जाएगा पक्का, तो बस जान लो बेटा, इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलियर्स, अपनी कई असफलताओं के बावजूद ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, सिंपल बन गया बेटा, ये सिंपल बनाना था आपको, ठीक है। अगला वाक्य आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स, जिसे कहा गया He was innocent, वह निर्दोष था, He was innocent, that was the verdict of the jury, यह वाक्य नहीं, वह निर्दोष था, यह न्यायाधीशों का निर्णय था, ठीक है। तो आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स, कहीं आपको बताया बेटा नाउन क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बनता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, तो नाउन क्लास याद करो, एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे, ही वाज इनोसेंट, यह पूरा वाक्य किसके लिए है, दैट के लिए, तो चारा याद करो पाठ्यक्रम में, चारा कौन है, दैट, जिस वाक्य में चारा है उस वाक्य को भूल जाओ, बोले दूसरे वाले वाक्य के पहले कंसन क्या लगा, दैट,
अब यह बन गई नाउन प्लस फिट, काम करोगे चारा कर नाउन प्लस फिट, यही लिखो, पढ़ गया, प्रूफ क्या बन गया, दैट ही वाज इनोसेंट, बोलो यह दैट ही वाज इनोसेंट, कहीं दैट की जगह जाएगा, दैट ही वाज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यह बन गया, ठीक है, नाउन क्लास बना बेटा ना, ये तीन चीज ऐसे समझो बेटा। अच्छा सब हम पढ़ा चुके हैं, अगर डिटेल में देखना है तो पीछे आप सब अभ्यास है, उसमें भी अभ्यास को कराया, उसको देख लो। तीसरा वाक्य है साधना, तीसरा वाक्य बनाना बेटा सिंपल, साधना इज वेरी वीक, साधना इज बहुत, इज बड़ा से लिखो यार, दिखाई दे रहा है नहीं, इज वेरी वीक, साधना इज वेरी वीक। दूसरा वाक्य है सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यह वाक्य आपको क्या बनाना है, इसमें सिंपल बनाना, क्या बनाना, यानी दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य करना है और वर्ब एक रह जाए, तो आपको बताया होगा बेटा, कहीं बताया था दो वाक्यों को, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य अथवा परिणाम होगा, तो साधना बहुत कमजोर है, परिणाम यह है सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही ढंग से चल नहीं सकती, तो इसको सिंपल बनाना, देखिएगा इन्फेंटिव याद है, इन्फेंटिव उसी की पहचान है इन्फेंटिव, तो सबसे पहला काम बेबी को बढ़ के टू में, किसी में बढ़ के टू में, अब देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या, है, अगर दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है तो यहां से कलम पकड़ो, नाटक भैरव घाट लगाना, चौकस छोटका टू सेंटेंस पढ़ो, बन गया, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, कोई कठिन है क्या, गुड, अगला वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कंपाउंड लिखा है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम Did not go to कहा नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया, his father did not go to नैनीताल, his father did not go to नैनीताल, यह दो वाक्य है, इसको क्या माना है, कंपाउंड, कंपाउंड में आपको बताया था बेटा एक तो नेगेटिव एडवर्ब नाइदर डैश डैश नॉट, कौन सा कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन याद होगा, बहुत सरल सा तरीका बताया था बेटा कि यदि आपको कंपाउंड बनाना है तो ये इस नॉट के लिए वाक्य के शुरू में लगा देना नाइदर, लगा दिया, याद करो नॉट के लिए दोनों वाक्य नेगेटिव है, नाइदर ना लगेगा, इस नाट के लिए लगा दिया नाइदर, अब इस नाट नाट गायब हो जाएगा और वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल कर दो, यह डिड आ जाएगा यहां पे, यह डिड वहां चला गया, पढ़ो बन गया, पहला नाइदर डिड शुभम गो टू नैनीताल, और फिर इस नाट के लिए लगा दो यहां पर नाव, क्या लगा दो नाव, और वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कर दो, ये पढ़ो बेटा बन गया, यह डिड यहां चला गया, पूरा वाक्य पढ़ो बन गया, Neither did Shubham go to Nainital, nor did his father go to Nainital. दूसरे ढंग से अगर आप सरल करना चाहते हो बेटा तो बना सकते हो Neither Shubham nor his father went to Nainital. दूसरा क्या बनेगा? एक तो एक तरीका बन गया, ये सरल तरीका है, नाट के लिए वाक्य के शुरू में नाइदर लगा दो, वाक्य इन्वर्जन स्टार्ट कर दो, इस नाट के लिए नार लगा दो, वाक्य इन्वर्जन स्टार्ट कर दो, ये हम तरीका बताए थे। दूसरा तरीका इसका बनेगा बेटा नाइदर नाइदर शुभम नॉर हिज फादर
वेंट टू नैनीताल, वेंट टू नैनीताल। यह तुमको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये जो बताया इन्वर्जन स्टाइल, यह भी वाक्य आपका क्या है, सही है। दोनों में कॉन्फिडेंस रखो, आपका दोनों वाक्य सही है। Neither did Shubham go to Nainital, nor did his father go to Nainital. दूसरों ने कहा Neither Shubham nor his father went to Nainital. दोनों कंपाउंड कराएगा, क्या कराएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अगला वाक्य सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। सी हर्ड द न्यूज और सी फेंटेड, यह वाक्य आपको बताया नाउन अथवा जेंट के पहले पेपर, जब यह सिंपल बनाना पड़ा, सिंपल बनाने का कोई तरीका काम न करे तो आप ये प्रीपोजिशन फॉर नाउन और जेंट लगा देना। तो उसने समाचार सुना वह मूर्छित हो गई, पहले समाचार सुना पहले मूर्छित हुई, पहले समाचार सुना, तो जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दो, उसी को बना दो जरंड। जरंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी, तो बन जाएगा हियरिंग द न्यूज ना? और आपको बताया था कि उल्टा चलो अर्थ करो, समाचार सुनने डैश डैश वह मूर्छित हो गई, तो समाचार सुनने पर आन पड़ोटा बन गया, आन हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, या ऐसा बोलो सी फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज, दोनों सही है, पक्का चले आगे आगे। वैसे अगला सेंटेंस है बेटा, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी गरीब, ही इज वेरी पुअर। दूसरा वाक्य है ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, यह वाक्य वह बहुत गरीब है, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। इसको आपको बनाना है बड़ा कॉम्प्लेक्स, याद है आपको बताया था बड़ा एडवर्ब क्लॉज, याद करो दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में एक वाक्य परिणाम बताएगा, क्या बताएगा परिणाम, परिणाम के लिए कंसर्न बताया था दैट सो डैश डैश दैट ना, तो सो बेरी को किसमें, सो में, और दूसरे वाले वाक्य पहले दैट, पढ़ो क्या बन गया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, वह इतना गरीब है कि वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। आपका काम पसंद क्या बन पक्का, अरे एडवर्ड पास स्वयं रिजल्ट क्या नहीं, रिजल्ट प्रदर्शन कर रहा था। अगला वाक्य लिखा है आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में अपने मित्र से मिला। इसको आपको बनाना था सिंपल, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, मीटिंग जो है आसानी थी, मतलब उसी कोई आशा नहीं थी। तो आपको कहीं बताया बेटा एट सिंपल सेंटेंस, इसको क्या बनाना है सिंपल, हाँ सिंपल बनाना है, सिंपल बनाना है सिंपल, आठ तरीके से बताना बेटा, उसमें एक आपको बताया होगा एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज ना बेटा। तो आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेबल, इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता है, मीटिंग कैसी थी, अनएक्सपेक्टेबल थी। अरे यार इसे पढ़ाया था, इसे पढ़ाया था ना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बताएगा, तो यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता बता रहा है, मेट की। अब इसमें कौन सा शब्द है जो विशेषता बता रहा है, यही इसको बना लो एडवर्ब, एडवर्ब कैसे बनता है ज्यादातर यह लगा करके, तो क्या जाएगा अनएक्सपेक्टेडली बन गया। अब इसको फिट कहां करोगे, आई मेट माई
एक ट्रांसिटिव वर्ब है, किन ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। आई मेट माय फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन, पढ़ो बन गया, आई मेट माय फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन, पक्का पढ़ो, आई मेट माय फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन, सही है भाई। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बन गया, सिंपल में पढ़ाया गया, ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। अगला वाक्य क्या है, आई लिव इन एन एरी हाउस, आई लिव इन एन एरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूं, इट इज डबल स्टोरी, इट इज डबल स्टोरी, यानी कि दो स्टोरी का है। अब सोचो क्या बनाना, पहले देखो इसको बनाना बेटा कॉम्प्लेक्स, क्या बनाना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, तो इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है, तो इट इज अ डबल स्टोरी, यह दो स्टोरी का है, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है, एरी हाउस की ना, यह अब दोनों अंडरलाइन कर दिया, दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा, एडजेक्टिव पार्ट तो यार, तो क्या कहेंगे एन एरी और इट आपस में कॉमन है ना, तो एन एरी छोटी चीज है बड़ी चीज, घर छोटी चीज है बड़ी चीज है, बड़ी चीज है बताया था, तो यहां पर बड़ी चीज है तो क्या काटेगा विच, तो क्या बन गया बेटा, पढ़ो बन गया, आई लिव इन एन एरी हाउस विच इज डबल स्टोरेज, जो दो मंजिला है, अग्नि है पक्का। अगला वाक्य देखो कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बना, I live in an airy house which is double story. अगला वाक्य देखो sentence है, he runs very तेज, he runs very fast, एक बार he will win the race, दूसरा वाक्य है he will Win the race, वह रेस जीत जाएगा, आपको इसे बनाना बेटा सिंपल सेंटेंस बनाना, क्या बनाना सिंपल ना? तो आप पहुंच जाओ कहीं पढ़ाया था कैन नॉट कुड नॉट डू नॉट डज नॉट, क्या है आइए वहां पे, तो वह तेज बहुत तेज दौड़ता है वह रेस जीत जाएगा ना? तो कैसे बनाओगे, दो तरीके से बना सकते हैं बेटा, बोले किससे बनाए, बढ़ के टू से बनाए, एनएफ से बनाए, दो ढंग से बनेगा ना, याद करो, अरे इसमें नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है तो दो ढंग से बनेगा, बनाते हैं पहले, एक तरीका बेटा बेरी, बेरी को पहुंचा देना भैरव घाट, और इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगा देना एनएफ, एनएफ लगा दिया, और दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, तो कर्ता से विल या कैन जो भी है हाथ काट देना, लगा देना छटका टू, पढ़ बन गया, He runs fast enough to win the race, He runs fast enough to win the race, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है बेटा कि देरी को बढ़ के टू में क्या बन जाएगा, ही runs too fast, he runs too fast, not to win the race, क्या हो जाएगा not to, अब यहां not काटते थे not नहीं है, not लगाना पड़ेगा ना, not to win the race, यह वाक्य आपका दो ढंग से बना, नंबर एक नंबर दो, नंबर एक क्या बना देखो मिला दो, he runs fast enough to win the race, एक तरीका He runs fast enough to win the race. और दूसरा बनेगा,
ही रन्स टू फास्ट नॉट टू विन द रेस। दोनों वाक सही हैं, कोनो कहे गलत तुम्हारा दिन कंटा पहले कंटा जो बता रहे सही है। अगला वाक क्या बनाना पहले बनाना बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, ठीक है। तीसरा वाक्य है आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच। अब देखो सर विशेषता है बेटा, नहीं विशेषता है क्या लगेगी एडजेक्टिव क्लास बनेगी, क्या बनेगा एडजेक्टिव क्लास बना दो। इन दोनों वाक्यों को सिंपल जोड़ दो बेटा, आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बा अरे यार ये वॉच यही ये सेमी स्मार्ट वॉच तो है, ये वॉच की जगह हम क्या रख देंगे, ये देखो ये वॉच की जगह ये सेमी स्मार्ट वॉच की, तो भगवान विशेषता है ना उसकी, तो सिंपल हो गया एक वाक बन गया। और दोनों में कॉमन क्या है, ये सेमी स्मार्ट वॉच और इट कॉमन है, तो ये सेमी स्मार्ट वॉच के लिए क्या लगाओगे, व्हिच काट दो इसको लगा दो वाक्य सुनो क्या व्हिच, पढ़ो क्या बन गया आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच व्हिच आई लाइक वेरी मच। रिच आई लाइक वेरी, अरे यार फिर सुनो, इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, यह पूरा वाक्य यही तो है किसके लिए है, वॉच के लिए, विशेषता हो गई इस वॉच को काट किसके लिए, हाँ लगा दो, तो बन गया आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच। और इट के लिए क्या लगा व्हिच आई लाइक वेरी मच, जिससे मुझे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पक्का। अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य आपको रहना है सिंपल सेंटेंस का, दो हजार बीस का कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस से चला बेटा, आपको एक सलाह देते बेटा, अगर आपको पाठक स्टाइल से समझने में दिक्कत हो रही है, ये हम पूरा आंसर कराएंगे बता दे रहे, आपके ये पास टाइम है, तो पाठक ने पीछे सेंटेंस खूब अच्छे ढंग से क्लियर करके पढ़ाया है, आप वहां पर जाइए एक एक चीज देखिए, तो यहां जो बताया इसको देखोगे तो बिल्कुल हवा लगेगा, एक सेकंड सब आएगा, ठीक है। और जब भाई देखो पढ़ना तो आपको है, देखो बेटा हमारा काम है आपको गाइड करना, बाकी तो जिम्मेदारी आपकी है ना बेटा, जीवन में आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है ना? तो उसके लिए तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, दिमाग लगाओ करना पड़ेगा ना, तो वो करने के लिए हम गाइड आपको तरीका बता रहे हैं कि यहाँ अगर डायरेक्ट आप जो हम हल कर रहे हैं इसको देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो पीछे सारी स्टाइल हमने ड्राफ्ट किया था और उसको एक बार देख करके जब फिर आओगे तो सब कुछ बहुत सर लगेगा। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने अपनी सलाह उनको दी। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली, ही हेल्प्ड देम लिबरली, लिबर्टी ना क्या माना है सिंपल, उसने अपनी सलाह उनको दी, ठीक है, और उसने उदारता पूर्वक उनकी मदद की। आपको कहीं बताया बेटा नाउन अथवा जेंड के पहले प्रीपोजिशन ना, तो सलाह भी दिया और मदद भी की, तो दोनों काम साथ साथ हुए, दोनों काम हुए, तो एक वर्ड याद होगा बिसाइड्स, याद होगा प्रीपोजिशन, तो क्या मतलब है बिसाइड्स, अरे पीछे देखो पांच पांच सेंटेंस अभ्यास कराया, बिसाइड्स गिविंग
them, besides giving them his advice, he helped them liberally. He helped them liberally. पढ़ो बन गया. Besides giving them his advice, he helped them liberally. बन गया. पक्का. अगला वाक्य क्या था? ये सिंपल बन गया. किससे? नाउन अथवा जेंट के पहले प्रीपोजिशन से. He continued starting at the elephant. Staring at. अच्छा. He continued. Staring. He continued staring at the elephant. At the एलिफेंट मतलब क्या हुआ? वह हाथी पर निरंतर देख वह हाथी पर घूरना जारी रखा. दूसरा वाक्य है ही सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था नॉट टू हैव सीन बिफोर. ये निकाल पक्का तरीका इतना देखिए. अब आपको याद होगा घूरने का तरीका ताराना ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने उसको कभी देखे नहीं है हाथी कभी देखे नहीं. अरे यार ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट वह हाथी की ओर घूरना जारी रखा. ही सीम्ड उससे ऐसा लगता था नॉट टू हैव सीन बिफोर उसने इसके पहले हाथी देखे नहीं. तो इसका मतलब घूरने का तरीका बता रहा है. तो आप एडवर्ब क्लास पहुंचाओ कहां पहुंचो एडवर्ब क्लास उसमें एक पॉइंट था होगा मैनर. क्या होता है मैनर? अरे यार जहां एज इफ एज दो याद है तो बना दो डर. क्या बनेगा? ही एज इफ एज दो के बाद जो वाक्य आएगा वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा और एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी. याद है तो बना दो. ही कंटिन्यूड staring at the elephant elephant as though या as if दोनों में इसको लिखा दो as though he had ये सब कट जाएगा he had not seen before he as though he had not seen before मानव पहले उसने देखा ही ना हो. ये बन गया. He continued staring at the elephant as though के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वो हमेशा पास्ट टेंस होगा और एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी. तो चूंकि यह हेड है तो हेड में एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं है तो सीधे वाक्य बन गया. तो he continued staring at the elephant as though he had not seen before मानव उसने पहले कभी देखा ही ना हो. तो आपको हमने आपको बताया आज 2020 का सिंथेसिस यानी कंबिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस करा दिया. इसी प्रकार से हम आगे हमेशा आपको यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेक्शन सब कुछ जितना अंसाब का है सब कराते जाएंगे. एक किताब एक्सटेंट अगर है तो अच्छी बात है नहीं तो चूंकि अंसाब हो रहा है तो आप उसी सेट को खोल लिया करो जो भी आपके पास है उससे आप अभ्यास करें अच्छा लगे. ठीक है अभी एक बार आज हम क्रम से अगर देखना है तो इससे ठीक है. थैंक यू.